हिमाचल के वयोवृद्ध एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार रामपुर बुशहर के जोगनी बाग स्थित राज परिवार के शमशान घाट में राजसी परंपरा के साथ 10 जुलाई को होगा। वीरभद्र सिंह की मौत की खबर पहुंचते ही रामपुर में सन्नाटा छा गया है। उनके रामपुर स्थित महल में लोगों का जाना शुरू हो गया है। बाजार 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। उनका पार्थिव शरीर कल शिमला से रामपुर राजदरबार पहुंचेगा। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 13 वर्ष की उम्र में बुशहर रियासत के 122वें राजा के रूप में हुआ था राज तिलक। शनिवार को इससे पहले पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए विक्रमादित्य सिंह का राजमहल में राजगद्दी पर किया जाएगा राज तिलक। उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में 4 ठहरी यानी शिंगला, शनेरी, लालसा व के डंसा के वाद्य यंत्रों को भी आमंत्रित किया गया है। ये वाद्य यंत्र शनिवार को पहले विक्रमादित्य सिंह को राजगद्दी पर राज तिलक के दौरान खुशी का एहसास कराने वाले धुनों से गूंजेंगे। उसके तुरंत बाद शोक के दौरान बजाए जाने वाले धुनों के साथ वाद्य यंत्र वीरभद्र सिंह की शव यात्रा में शरीक होंगे। रामपुर के जोगनी बाग स्थित राज परिवार के शमशान घाट में वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोगों का हजूम उमड़ेगा। आत्मा राम केदारटा रामपुर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि वीरभद्र सिंह का 10 जुलाई को रामपुर के जोगनी बाग राज परिवार के शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। यहाँ प्रथा यह है कि तब तक राजे का अंतिम संस्कार नहीं होता जब तक पुत्र अथवा उत्तराधिकारी को राज तिलक ना हो। इसलिए शनिवार को अंतिम संस्कार से पहले उनके पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक होगा। उनका जो वहाँ से लाएंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे दिन को, और उसके पश्चात यहाँ की प्रथा है राज परिवार में तब तक जो है उसका दाह संस्कार नहीं होता या उसका पुत्र जो है उसका राज तिलक नहीं होता। चलो राज तिलक वो फॉर्मेलिटीज हैं, अब ये तो यहाँ पहले राज तिलक होगा, उसके बाद दाह संस्कार जो है जो निवास में होगा, क्योंकि उनका वो स्थल है ये दाह संस्कार का। तो यही इन्हीं प्रथा को साथ रखते हुए हम लोग यहाँ पर एक भजंतरी का भी विशेष योगदान। और ये भजंतरी जो है उस वक्त ये होता था, दो किस्म के बाज बजते थे। एक होता था पहले खुशी के टाइम जो बजता था, वो नहीं है उस राज तिलक के, उसी के अलग अलग बाज है। यहाँ दाह संस्कार के बात होते उल्टा बाज बजाते कहते हैं उस वक्त। हर एक आदमी हर साज वादक नहीं जानता इस चीज़ को। तो यहाँ 4 ठहरी के हैं, शिंगला, शनेरी, लालसा और डंसा के। शुरू से ये इन्हीं के भजंतरियाँ आते हैं, उनको पता है कि हमने कैसा बजाना है। तो कल उनको बुलाया गया है, पहले राज तिलक से पहले दूसरा बाज बजेगा, उसके बाद उल्टा बाज बजेगा, तब दाह संस्कार होगा।